बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शुमाइल सत्तार, एसएस फिजिक्स एट डीपीएस एंड कॉलेज साहिवाल। टुडे वी विल लर्न टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। बाय द एंड ऑफ द लेसन यू विल बी एबल टू नो अबाउट व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी, what is momentum, how torque act in a body system. So let's start our today's topic. We have practiced this example many times in our daily life that whenever we push or pull the door, we apply a force on it. As we have discussed earlier that push or pull is a force. So basically हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी डोर पे पुश या पुल की फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स क्या काम करती है, वो फोर्स इस डोर को टर्न कर देती है अबाउट इट्स फिक्स्ड पॉइंट और जॉइंट और यू कैन से द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब जो भी फोर्स हम इस डोर पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो पुश है या पुल है, वो इस डोर को ओपन या क्लोज कर सकती है बाय टर्निंग द डोर अबाउट इट्स फिक्स्ड पॉइंट और इट्स जॉइंट और इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो द डोर इज ओपनड और क्लोज्ड ड्यू टू द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। It is easy to open and close the door by pulling or pushing it at its handle. अब हमने देखा है कि mostly हम इस handle को push या pull करते हैं इस door को open या close करने के लिए। तो basically वो force जो इस handle पे apply हो रही है वो क्या करती है, वो इस door को turn कर देती है about its fixed point or axis of rotation. So what is this turning effect and what are its causes? Before discussing it, we have to discuss some important terms. So first one is rigid body. Rigid means solid. तो किसी भी solid body को हम rigid body कह सकते हैं अगर वह कुछ specific conditions को fulfill करें। अब वह specific conditions क्या हैं उन्हें हम discuss करते हैं। सबसे पहले what is a body? जैसा कि हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी किसी सिंगल पार्टिकल से नहीं बल्कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बनती है, इन द सेम वे रिजिड बॉडी भी एक से ज़्यादा पार्टिकल्स पर कंसिस्ट होती है। तो अब स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं उसके रिजिड बॉडी कहलाने की? पहली कंडीशन ये है कि अगर डिस्टेंस उन स्मॉल पार्टिकल्स का किसी भी अप्लाइड फोर्स पर चेंज ना हो, मतलब अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं रिजिड बॉडी पर और स्टिल उसके पार्टिकल्स की इंटरस्पेसिंग या उनके दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं होता बाय अप्लाइंग दैट फोर्स, तो हम उसे रिजिड बॉडी कह सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने से भी डीफॉर्म्ड नहीं होता, डीफॉर्म्ड का मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता या वो अपनी शेप चेंज नहीं करता, बल्कि जो शेप उसकी फोर्स अप्लाई करने से पहले थी वो उसी शेप को सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी एक रिजिड बॉडी है। सो फर्स्ट कंडीशन इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स देन इट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। And the second condition is a rigid body is the one that is not deformed by force or forces acting on it. मतलब अगर कोई भी force या forces apply करने के बावजूद अगर कोई body अपनी shape change ना करे या वो deformed ना हो, destroy ना हो, तो हम उस body को rigid body कह सकते हैं। As you can see, this is a rigid body. And it can be of arbitrary shape. Rigid body की कोई भी shape हो सकती है, लेकिन अगर वो अपनी shape sustain करती है by applying some force, तो हम उसे rigid body कह सकते हैं। Next important term is axis of rotation.
एक्सिस, जैसा कि हमें पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो कोई भी स्पेसिफिक एक्सिस जिसके अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है, उसे हम उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। कंसिडर आ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन। एज शोन इन फिगर वी कैन सी दैट देर इज अ रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस और दिस लाइन। द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल्स विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन। इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे सर्कल में मूव कर रहे हैं और उन सब पार्टिकल्स का सेंटर जो है वो इस लाइन पर सिचुएटेड है, यानी वो इस लाइन के अराउंड सर्कल्स में मूव कर रहे हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट या ये फिक्स्ड एक्सिस या लाइन जिसके अराउंड रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, इसे हम इस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। सो इट मीन्स अ लाइन और अ फिक्स्ड एक्सिस और अ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच द बॉडी कैन रोटेट इज कॉल्ड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्सेस दैट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट आर वेरी कॉमन। हमने ऐसी बहुत सी फोर्सेस या ऐसे बहुत से फिनोमिनास देखे हैं जहाँ टर्निंग इफेक्ट इजीली प्रोड्यूस हो सकता है, लाइक टर्निंग पेंसिल इन अ शॉर्पनर। जैसे ही हम पेंसिल को शॉर्पनर में टर्न करते हैं तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द टर्निंग इफेक्ट। हम ऑब्वियसली शॉर्पनर के थ्रू पेंसिल पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पेंसिल को टर्न करते हैं, मतलब हम उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स वो पेंसिल को शॉर्पनर में टर्न करता है और टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट वन इज टर्निंग स्टॉप कॉक ऑफ अ वाटर टैप। एज यू कैन सी, हम इस वाटर टैप को ओपन या क्लोज करने के लिए इसके हैंडल को या स्टॉप कॉक को टर्न करते हैं। सो इसमें भी एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन इज टर्निंग डोर नॉब। डोर नॉब को टर्न करते हैं उसे ओपन या क्लोज करने के लिए। एंड सो ऑन आर सम एग्जांपल्स वेयर अ फोर्स प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट। ये सारी एग्जांपल्स हैं जहां हम फोर्स अप्लाई करके एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इस टर्निंग इफेक्ट को क्या कहते हैं और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? ऑब्वियसली ये किसी भी फोर्स को अप्लाई करने की वजह से प्रोड्यूस होता है और इस टर्निंग इफेक्ट का नाम है टॉर्क। तो हम टॉर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स। सो किसी भी फोर्स के अप्लाई करने की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम टॉर्क कहते हैं, या इसका दूसरा नाम मोमेंट ऑफ द फोर्स है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स। अगेन हम डोर के एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जिसमें हम फोर्स अप्लाई करके टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हम डोर पे जो पुश या पुल की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली वो फोर्स जो है वो डोर को टर्न कर रही है अराउंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन या अराउंड इट्स फिक्स्ड पॉइंट। सो इसका मतलब इस सारे फिनोमिना में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम फोर्स अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, किस जगह पर अप्लाई कर रहे हैं जिसके रिजल्ट में वो डोर इजीली टर्न कर रहा है अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड। सो व्हाई द हैंडल ऑफ अ डोर इज फिक्स्ड नियर द आउटर एज ऑफ द डोर। जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया है कि डोर का हैंडल हमेशा आउटर एज ऑफ द डोर ही क्यों प्लेस होता है, उस एज पर प्लेस क्यों नहीं होता जो उसके हिंज के नज़दीक या उसके ज्वाइंट के नज़दीक होता है। इसकी रीज़न ये है कि हम अगर आउटर एज पे इस हैंडल को प्लेस करेंगे
तो इस हैंडल पर फोर्स अप्लाई करके हम इजीली उस डोर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं, या उसे अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड टर्न करवा सकते हैं, एज कम्पेयर टू दैट कि अगर हम इसी हैंडल को उस हिंज पे या उसके ज्वाइंट के पास प्लेस करवा दें तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए। सो इसलिए इसका हैंडल हमेशा आउटर एज पर प्लेस्ड होता है, जहाँ हम थोड़ी सी फोर्स लगाकर इजीली इस डोर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं द लोकेशन वेयर द फोर्स इज अप्लाइड टू टर्न अ बॉडी इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो मैटर क्या करता है? मैटर वो लोकेशन या वो प्लेस करती है जहाँ हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न करवाना चाह रहे हैं। नाउ लेट अस स्टडी द फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स। यू माइट हैव सीन दैट अ मैकेनिक यूजेस अ स्पैनर एज शोन इन फिगर टू लूजन और टाइटन अ नट और अ बोल्ट। जैसा कि हमने डेली लाइफ में देखा है कि कोई मैकेनिक जब स्पैनर यूज़ करता है किसी भी नट या बोल्ट को टाइट या लूज करने के लिए, अ स्पैनर हैविंग लॉन्ग आर्म हेल्प्स हिम टू डू इट विद ग्रेटर ईज देन द वन हैविंग शॉर्ट आर्म। एज वी कैन सी फ्रॉम द फिगर वी हैव टू स्पैनर्स, वन स्पैनर हैज़ द लॉन्ग आर्म और वी कैन से दैट इट्स लेंथ इज ग्रेटर एंड द अदर स्पैनर हैविंग शॉर्ट लेंथ और शॉर्ट आर्म। अब जो स्पैनर ज़्यादा मोमेंट आर्म या ज़्यादा लेंथ रखता है उसके थ्रू हम इजीली इस नट को टाइट या लूज कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू दैट स्पैनर विच हैव शॉर्ट मोमेंट आर्म और शॉर्ट लेंथ। इट इज़ बिकॉज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज डिफरेंट इन द टू केसेस। अब ऐसा क्यों होता है? ये इस वजह से है कि दोनों केसेस में फोर्स का टर्निंग इफेक्ट डिफरेंट है। वो कैसे? द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स यूजिंग अ स्पैनर ऑफ लॉन्गर आर्म इज ग्रेटर देन द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द सेम फोर्स बट यूजिंग अ स्पैनर ऑफ शॉर्ट आर्म। इसका मतलब लॉन्ग आर्म वाले स्पैनर में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा फोर्स की वजह से वो ज़्यादा होगा, जबकि शॉर्ट आर्म वाले स्पैनर में उसी फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कम होगा। इसका मतलब हम इस एग्जांपल से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मोमेंट आर्म या लेंथ ऑफ स्पैनर जो है वो अमाउंट ऑफ टॉर्क को इफेक्ट करती है। मतलब अगर लेंथ ऑफ स्पैनर ज़्यादा है तो ग्रेटर टॉर्क प्रोड्यूस होता है बाय अप्लाइंग फोर्स, और अगर मोमेंट आर्म या लेंथ ऑफ स्पैनर कम है तो शॉर्टर टॉर्क प्रोड्यूस होगा बाय अप्लाइंग द सेम फोर्स। नेक्स्ट वन इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स बेसिकली क्या चीज़ है? द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। एज वी हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम्स दैट वी कैन प्रोड्यूस टॉर्क बाय अप्लाइंग सम फोर्स। अब बेसिकली वो फोर्स कहाँ अप्लाई हो रही है और वो फोर्स जिस लाइन के अक्रॉस अप्लाई हो रही है उसे हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स कहते हैं। इन फिगर लाइन BC इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। अब एक फिगर कंसिडर करते हैं जिसमें कोई भी रिजिड बॉडी हमने अज्यूम की है जो कि इस लाइन या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट कर रही है, और ये वो लाइन है जहां हम फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके रिजल्ट में टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो कि इस रिजिड बॉडी को अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट करवा रहा है। अगर ये वो लाइन है जिसके अलोंग हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कह सकते हैं, और हमने इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को BC के थ्रू लेबल कर दिया है। वेयर एज AA प्राइम शोज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब नेक्स्ट थिंग है मोमेंट आर्म।
जैसा कि हम इस फिगर से देख सकते हैं कि ये मोमेंट आर्म जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान का फासला है, तो प्रॉपरली हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। इसका मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में है उसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल एल। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस एल इन द फिगर। यहाँ से हमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का भी पता चल गया, यानी वो लाइन जिसके अलोंग हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी रिजिड बॉडी को अराउंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन टर्न करवाने के लिए, वो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लाए करता है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। इट मीन्स द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एफ एंड द मोमेंट आर्म एल ऑफ द फोर्स। ग्रेटर इज द फोर्स, ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स। अब टॉर्क बेसिकली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फर्स्ट वन इज द फोर्स एंड सेकेंड इज द मोमेंट आर्म। अब वो इन दोनों फैक्टर्स पर कैसे डिपेंड करता है? अगर हम फोर्स को ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली लॉन्गर इज द मोमेंट आर्म, ग्रेटर इज द मोमेंट फोर्स। इसी तरह से अगर मोमेंट आर्म ज्यादा है, यानी वो डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान लाए कर रहा है, अगर वो डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और अगर वो डिस्टेंस यानी मोमेंट आर्म कम है तो कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। दस द मोमेंट ऑफ द फोर्स और टॉर्क रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेटर इज डिटरमिंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड इट्स मोमेंट आर्म एल। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट है। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। एज वी नो दैट फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड मोमेंट आर्म व्हिच इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सो इट इज मेजर्ड इन मीटर। सो द कंबाइंड यूनिट न्यूटन मीटर is the unit of torque. So we can say that SI unit of torque is Newton meter, which is represented by capital N small m. And if we want to define one Newton meter, then a torque of one Newton meter is caused by a force of one Newton acting perpendicular to the moment arm one meter long. यानी अगर कोई भी one Newton force किसी one मीटर लॉन्ग मोमेंट आर्म पे एक्ट कर रही है परपेंडिकुलरली, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 1 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक हमने टॉर्क को डिफाइन कर लिया। व्हाट इज टॉर्क? इट इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हमने ये भी देख लिया कि टॉर्क प्रोड्यूस कैसे होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाई अप्लाइंग सम फोर्स, और वो फोर्स जिस लाइन के अक्रॉस अप्लाई होती है दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, और वो वाला पॉइंट या वो फिक्स्ड पॉइंट जिसके अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट टर्न कर रहा है उसे हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम दिया। देन मैथमेटिकली हमने देखा कि टॉर्क जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स, फर्स्ट वन इज द फोर्स एंड नेक्स्ट वन इज द मोमेंट आर्म। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड its formula which is F cross L, then we discussed its unit which is Newton meter, and then we defined 1 Newton meter. So our torque or moment of force topic is completed. Now we will discuss example 4.3, which states that a mechanic
tightens the nut of a bicycle using a 15 cm long spanner by exerting a force of 200 Newton. Find the torque that has tightened it. In solution, firstly we will write given data. As we can see that we are given the force, the applied force, which is 200 Newton. So we write F, which is equal to 200 Newton. Next we are given the moment arm, which is 15 centimeter. So we will write capital L, which is the moment arm, and it is equal to 15 centimeter. Firstly, we have to convert it into meter. So it becomes 0.15 meter. We have to find torque that has tightened the nut. So as we know that torque is equal to F into L. So we will multiply the value of force with value of moment arm. It becomes equal to 200 Newton, which is the value of force, multiplied by 0.15 meter, which is the value of moment arm. And after multiplication, we get 30 Newton meter. Thus, a torque of 30 Newton meter is used to tighten the nut. Now your home task is, you have to solve this question. The question is, a force of 150 Newton can loosen a nut when applied at the end of a spanner 10 cm long. First one is, what should be the length of the spanner to loosen the same nut with a 60 Newton force? And second one is, how much force would be sufficient to loosen it with a 6 cm long spanner? So, firstly, you have to calculate torque as you are given force, which is 150 Newton, and you are also given the moment arm, which is 10 cm long. So, by putting these values in torque's formula, you will find the torque. Next, in first question, you will put the amount of torque that you calculated from this statement and the value of force, which is 60 Newton, and you will find the value of length of the spanner or the moment arm by using the same formula. And in question 2, you will again put the value of the torque calculated from this statement, and this time the length of spanner is given, which is 6 cm. It means you have to find the force by applying the same formula. So I hope with the help of this video lecture, you will be able to complete this home task by yourself. So good luck with it. That's all for today. Thank you so much for listening.